हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। इसका स्टडी आज देखेंगे सेल और उसके जो है स्ट्रक्चर कार्य के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो साइंस पार्ट में आप लोग का स्वागत है। चलिए 110वां क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यकृत लीवर में भक्षाणु कोशिका फैगोसाइटिक सेल होती है, तो इसका आंसर जो है अभी मैं पहले से वीडियो बना दे रहा हूँ, कौन कौन जवाब दिया है पता नहीं, बाकी आंसर है आपका कुफर कोशिकाएं। आप ये कुफर कोशिकाएं क्या है, यह आपका कुफर सेल, ठीक है। और इसको देख लीजिएगा, कुफर सेल्स जो होते हैं ये यकृत में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है कभी कभी कि कुफर सेल्स किस में पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाता है। कुफर सेल्स आल्सो नोन एज स्टेलाइट मैक्रोफेगस एंड कुफर ब्रोविज सेल आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेगस लोकेटेड इन द लीवर लाइनिंग द वॉल्स ऑफ द सेल्यूसोइड। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। रुधिर तथा उत्तक द्रव यानी कि ब्लड एंड टिश्यू फ्लूड एक्सचेंज कैसे होता है, ये तो ये होता है अंतराली द्रव्य। थोड़ा इसे देख लेते हैं, कैपिलरी टू टिश्यू फ्लूड एक्सचेंज। कैपिलरीज आर वेयर फ्लूड्स गैसेस न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू बाय डिफ्यूजन। फ्लूड एक्सचेंज इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड प्रेशर विद इन द कैपिलरी वेसल्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड विद इन द वेसल। सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आपका किसी रोग के बाद अधिक अवरोध सामर्थ्य से। सक्रिय प्रतिरक्षण एक प्रतिजन के संपर्क के बाद प्रतिरक्षा का प्रेरण है, एंटीबॉडी प्राप्तकर्ता द्वारा बनाए जाते हैं और स्थायी रूप से संग्रहित किए जा सकते हैं। कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण वह जगह है जहां माइक्रोब को व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है और इससे पहले कि वे इसे स्वाभाविक रूप से लेने में सक्षम हो। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। निशल कर्ण निशल ग्रानुलेश कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके तंत्रिका कोशिका में। चलिए इसका पिक्स दिखा दूं, आपको क्लियर हो जाओगे फिर। तो ये रहा आपका निशल ग्रानुलेश, है ना, ये तंत्रिका आपका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। निशल बॉडी ऑल्सो नोन एज निशल सब्सटेंस एंड निशल मटेरियल इज अ लार्ज ग्रैनुलर बॉडी फाउंड इन नर्वस। दिस ग्रानुलेश आर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER विथ प्रोस्टेट्स ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मानव के लाल रुधिराणु RBC का जीवन काल होता है, तो ये कई बार हो गया है ये, तो मैं और इसके बारे में पूरा डिफाइन किया था। 100 से 120 होता है और बच्चों में 80 से 90 होता है, बाकी यहाँ इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये 120 से 127 दिन को मान्य किया जाएगा। रुधिरोत्पादक उत्तक हेम्योपोएटिक टिश्यू होता है, यानी रुधिरोत्पादक मतलब जिसमें ब्लड का सृजन होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है, निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये भी जानते हैं आप। क्वेश्चन थोड़ा से घुमावदार है इसलिए अलग अलग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, तो ये है आपका तरल संयोजी उत्तक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सिस्मोइड अस्थि सिस्मोइड बोन किसमें विकसित होता है, तो ये होता है आपका कंड्रा टेंडन में। अब ये बोन दिखा देता हूँ आपको मैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिस्मोइड बोन्स यहाँ पर, ठीक है, ये जो होता है आपका सिस्मोइड बोन्स होते हैं। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ यहाँ पर रेड डॉटेड है, यहाँ देखिए ये वाला जो है आपका सिस्मोइड बोन है, ठीक है। ये क्या है आपको याद रहेगा, इससे ज्यादा अच्छे से पिक्चर छप जाएगा सिस्मोइड बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्ट कोशिका मास्ट सेल कहाँ मिलती है, तो ये मिलता है आपका संयोजी उत्तक में। मैं इसका भी पिक दिखा देता हूँ, कंड्रा टेंडन जोड़ती है, ये तो कई बार हो गया आपका, एक पेशी से आपका अस्थि को जोड़ता है या एक पेशी को अस्थि से। यहाँ देखिए व्हाट इज अ मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या है, तो मास्ट सेल प्ले अ रोल इन इन्फ्लेमेशन, हेल्प डिफेंड अगेंस्ट फोटोजेंस एंड आर इन्वॉल्व इन वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर के लिए ये जो है आपका मास्ट सेल उपयोग होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। मास्ट सेल आप लोग को समझ आ गया होगा, पछमाभी एपिथेलियम जो है आपका सिलिएटेड
एपिथिलियम हमारे शरीर में कहाँ मिलती है? तो ये मिलता है वायुनाल में, आई थिंक ये डबल हो रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य के जो है 100 मिलीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो 14 ग्राम। आप ये भी डबल आई थिंक रिपीट हो रहा है ये, या तो इसी टाइप से अलग क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स में रुधिर किसके कारण जम नहीं पाता है? तो ये जम नहीं पाता आपका हो जाएगा ख ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हिस्टियोलॉजी। लाल रुधिराणु आरबीसी संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यदि इसे रखा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है? गा आंसर इसका नहीं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ सेल व्हेन कंपेयर्ड विद द इनसाइड ऑफ अ सेल। हानिकारक बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया व अन्य विदेशी तत्वों का सफाया कौन करता है? तो कौन करता है ये हो जाएगा आपका घ आंसर, श्वेत रुधिराणु होगा ये, भक्षाणु से, फैगोसाइटोसिस बाय WBC। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका रुधिर में, है ना? तथा ये थक्का जमने में सहायता करता है प्रोथ्रोम्बिन जो है, इसको देख पढ़ चुके हैं। रुधिर जो है किससे मिलकर बनता है? तो ये किससे मिलकर बनेगा आपका आंसर है तो हो जाएगा प्लाज्मा व रुधिराणु, ठीक है? गाढ़ी ए पट्टियां और डार्क ए बैंड व हल्की आई पट्टियां लाइट आई बैंड किस में होता है? तो ये होता है अनैच्छिक पेशी, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल। श्वान कोशिकाओं, श्वान सेल का संबंध किससे है? तो क से है आपका तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू। तो ये रहा आपका श्वान सेल, ठीक है, ये नर्वस टिश्यू में ही आपका श्वान सेल होता है, तो ये भी याद रहेगा। तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य होता है? तो ये होता है उत्तेजनशीलता, इरेटिबिलिटी। पेशी संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किस कारण होता है? आंसर है कैल्शियम आयन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो ये है आपका घ आंसर, इनमें से कोई नहीं नहीं दिया है। पैर की कोशिका नहीं होता, तंत्रिका कोशिका नहीं होता, अस्थि कोशिका नहीं होता। तो चलिए आंसर इनमें से कोई नहीं है, लेकिन कौन सा होता है मैं बता दूं। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर सेल विद इन द नर्वस सिस्टम एंड कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी, ऑल्दो दे रेंज इन साइज। सम न्यूरॉन्स आर 3 फीट लॉन्ग। These include the neurons that go from the skin into the spinal cord and up into the brain stem. जन एपिथिलियम, जर्मिनल एपिथिलियम में कोशिकाएं होती है, तो ये होता है आपका स्तंभाकार, ठीक है, कॉलमनर। अस्थि में कौन सा लवण यानी के मिनरल्स सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट में होता है। मनुष्य के लाल रुधिराणु आरबीसी होते हैं, तो ये होते हैं आपका ट्विन तोदर प्लेट नुमा तथा केंद्रक सहित बाइकॉन्वेक्स प्लेट लाइक एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। यदि रुधिर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये आसान है, हीमोग्लोबिन। लसिकाएं यानी लिम्फ रुधिर ब्लड में से किस बात से भिन्न है? तो ये क्या है, लाल रुधिराणुओं की अनुपस्थिति। श्वेत रुधिराणु WBC का केंद्र होता है, तो ये होता है पालीयुक्त। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा किसका आवरण बनाता है? तो ये बनाता है आपका पेशी तंतु का। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होते? तो चलिए आंसर बताइएगा, ऑप्शन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, शेयर कीजिए प्लीज, लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज।